लखनऊ में राज्य मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ाके की सर्दी में आधी रात रेन बसेरों की सच्चाई जानने निकल पड़े। विधि और न्याय मंत्री बृजेश पाठक के साथ मुख्यमंत्री ने कई रेन बसेरों का निरीक्षण तो किया ही, वहां सो रहे शरणार्थियों से उनकी कुशलता भी पूछी। साथ ही नीचे सो रहे लोगों को बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शरणार्थियों से परेशानी पूछी और कहा कि कोई पैसा तो नहीं मांगता। आप देख सकते थे हम लोगों की सीएम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सबसे पहले वो जीएमओ रेडियो स्टेशन पर पहुंचे हैं। बता दें कि जिलों में जहां अधिकारी कड़ाके की ठंड में रेन बसेरों का हाल जानने को तैयार नहीं है और डीएम एसपी को निरीक्षण करने को शासनादेश जारी करना पड़ा, वहीं गरीबों के प्रति विशेष सहानुभूति रखकर सरकार चला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेन बसेरों की हकीकत जानने स्वयं निकल पड़े। उन्होंने सर्दी से बचाव को 2.5 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी करके जिले के अधिकारियों को विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं।